बीकेबी न्यूज की दोपहर की खबरों में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जहां ठाकरे वहां शिवसेना, संजय राउत का फिर ऐलान, शिवसेना के पास अभी भी है विधायकों को चुनने का अधिकार। महाराष्ट्र में नई ईडी सरकार, ई का मतलब एकनाथ और डी का मतलब देवेंद्र फडणवीस, नाना पटोले ने दी प्रतिक्रिया। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए राजन सालवी को बनाया गया उम्मीदवार। और महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल विभागीय कार्यालय में एसटी उम्मीदवारों ने जताया विरोध, पहले 2019 में भर्ती हुए लोगों की नियुक्ति करने की गयी मांग। अब खबरें विस्तार से। मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की कोशिश की जा रही है। शिवसेना के पास अभी भी विधायकों को चुनने का अधिकार है। हम बारा साहब के सिपाही हैं, जहां ठाकरे वहां शिवसेना, मुझे देवेंद्र फडणवीस के पीछे उपमुख्यमंत्री शब्द रखना मुश्किल लगता है, ऐसा वक्तव्य संजय राउत ने किया है। भारतीय जनता पक्षाने किंवा उपमुख्यमंत्री मला अजून तोंडामध्ये येत नाही। उपमुख्यमंत्री एकतर माजी मुख्यमंत्री किंवा भावी मुख्यमंत्री आपण सतत्याने बोलत राहिलो, पण उप हा शब्द त्यांच्या मागे लावायला मला फार जड जात आहे। पण तरी मी म्हणेन, देवेंद्रजींच्या संदर्भात असं काही झालं असेल होत असेल हा त्यांच्या पक्षाचा अंतर्गत प्रश्न आहे। कोणाला आनंद वाटेल का जे मुख्यमंत्री पदाच्या तयारीत बसले आहेत, नवीन सरकार स्थापन होत आहे, विधिमंडळ पक्षाची बैठक होते आहे आणि त्यांना दुसऱ्या क्रमांकाचं पद स्वीकारा असा आदेश दिला जातो आणि तेही जे मुख्यमंत्री आता झाले आहेत ते त्यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये ज्युनियर मंत्री होते। पण भारतीय जनता पक्षामध्ये शिस्त आणि आदेश त्याचं पालन केलं जातं, त्यानुसार ते वागले, त्यांचं कौतुक केलं पाहिजे। त्यासाठी असं आहे की कॉन्फिडन्स म्हणजे आत्मविश्वास केव्हा येतो, जेव्हा आपण काही चूक केलेली नसते आणि आपल्याला माहिती आहे की आपली बाजू सत्याची आहे, हे कोणाच्या तरी दबावाखाली आपल्यावरती बालंड आणलं जात आहे। अशा वेळेला आपला जो अंतरात्मा असतो तो सांगतो की तू काय केलं नाही आहे, तुम्ही काय केलेलं नाही आहे, तुम्ही निर्भयपणे चौकशी यंत्रणांना सामोरं जायला पाहिजे। आणि त्यात आत्मविश्वासाने मी गेलो आणि 10-11 तासानंतर बाहेर आलो। मलाही मार्ग होता गुवाहाटीला जाण्याचा, बरं का, प्रयत्न झाले ना ईडी, पण आम्ही नाही गेलो। आम्ही बाळासाहेब ठाकरे, माननीय उद्धव ठाकरे, शिवसेना यांच्याबरोबर राहायचो, स्वाभिमानाच्या गोष्टी करायच्या, हिंदुत्वाच्या गोष्टी करायच्या आणि अशा पद्धतीने वागायचं हे आमच्या रक्तात नाही। प्राण जाय पर वचन न जाय हे आम्हाला बाळासाहेबांनी आणि हिंदुत्वानं शिकवलेलं आहे। त्याच्यानुसार मला एक तर मी अत्यंत या बाबतीमध्ये बेदर आहे आणि मित्रांनाही सांगत असतो, जर सत्य तुमच्या बाजूने असेल तर घाबरायचं कारण नाही। मी तर काल अधिकाऱ्यांना सांगितलं मी बॅग भरून आलेलो आहे आणि मी घाबरणार नाही, पण तुम्हाला जे हवं आहे ते प्रश्न तुम्ही मला विचारू शकता, अडचण नाही काही। तुम्ही तुमची ड्युटी करा, तुमचं कर्तव्य करा, मी माझं कर्तव्य करा। अशा तऱ्हेने कालचा दिवस गेला, ठीक आहे। गोंदिया में हर साल गौशाला वार्ड से जगन्नाथ मंदिर सेवा संस्था तक जगन्नाथ स्वामी रथ यात्रा निकाली जाती है। इस साल भी इस शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस समय हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। इस समय उड़ीसा के कलाकारों ने मधुर स्वर में आतिशबाजी की तथा कार्यक्रम के आयोजक सचिव मुकेश नायक, राकेश कुमार, राजेश खांडेकर, जितेंद्र राणा, कुलदीप निखिल नायक, विकास तुषार, अनूपदीप, सोमनाथ सागर, उपेंद्रदीप, अमन कुमार, अखिल नायक, सूरज कुमार रॉकी नायक, खमेंद्र दीप, सत्यम सोनवणे, भुवन सोनवणे व अन्य पदाधिकारियों व सदस्यों ने इस रथ यात्रा का आयोजन किया। बीकेबी न्यूज के लिए गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। जगन्नाथ स्वामी जी के ये बलभद्र भगवान और माता सुभद्रा के साथ जुलाई महीने में होता है इनका, और ये रथ यात्रा काफ़ी वर्षों से पुरानी है जगन्नाथपुरी की, लेकिन हमारे नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर सेवा समिति गौशाला वार्ड गोंदिया में 4 साल हो गए मंदिर स्थापित होकर। यह मंदिर मात्र 16 महीने में स्थापित हुई
और यह मंदिर से प्रतिवर्ष जगन्नाथ मंदिर के माध्यम से रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, लेकिन कोरोना काल के चलते में पिछले 2 साल से यह आयोजन नहीं किया गया था। इसलिए 2 साल की जो क्षति हुई भक्तजनों में, उसकी खुशी मनाने का इजहार करने के लिए जगन्नाथ मंदिर सेवा समिति ने काफ़ी हर्षोल्लास से तैयारियां की और हजारों लोगों ने उसमें सहयोगी हुए, हजारों लोगों ने सहभागी बने और इसका भरपूर आनंद लिया। आनंद के लिए जगन्नाथ मंदिर सेवा समिति ने उड़ीसा से सीनापाली, वहाँ से 70 लोगों की टीम बुलाई थी हरि कीर्तन की, गोड्डा करके उड़ीसा से उन्होंने 40 लोगों का उड़िया बाजा बुलाया था और यहाँ से गोंदिया से एक बैंड किए थे न्यू इंडिया वाले ने। इस प्रकार से तीनों बैंड बाजा गाजा के साथ हजारों भक्तजनों के साथ यह रथ यात्रा का आयोजन किया गया और काफ़ी लोगों ने इसका आनंद लिया और हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसा बड़ा बड़ा आयोजन हम लोग करते रहेंगे और आप लोग का सहयोग मिलता रहेगा और आगे भी हम लोग जिस प्रकार से कार्यक्रम करेंगे काफ़ी भव्य करने की सोच रहे हैं और इसमें पूरा जगन्नाथ मंदिर सेवा समिति व न्यू उत्कल घसिया समाज काफ़ी हर्षोल्लास से मेहनत करता है और कार्य करते रहता है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। और यह कार्यक्रम आज पूरा नगर भ्रमण करके आज वापिस मौसी घर, यहाँ पे हमारे मौसी घर नहीं होने का वापस हम लोग घुमा के मंदिर समिति में लाते हैं और ठीक 9 तारीख को मौसी घर से रथ वापसी होती है तो वो रथ वापसी होगी 9 तारीख को, फिर पूरे नगर का भ्रमण करेंगे और प्रभु आएंगे मंदिर में और 10 तारीख को उनका सुनाभेश होता है, हवन होता है और उसका फिर से वो गर्भगृह में जाके यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से समाप्त होता है। जगन्नाथ और मैं कहना चाहूँगा जगन्नाथ के भक्त। यवतमाल के पाटीपुरा में आपसी बहस से एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। विवाद सुलझाने गई महिला को भी पीटा गया। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 4 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अभी एक हत्यारे की तलाश कर रही है। मृतक की पहचान विशाल कृष्ण रामटेके के रूप में हुई है। घटना के बाद मृतक की मां सुनीता कृष्णा रामटेके ने यवतमाल सिटी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी विनोद तमगड़गे, प्रमोद तमगड़गे, भगवान तमगड़गे, अनिकेत बागड़े, प्राशिक भगत और अमित भगत, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। कल पोस्टी यवतमाल शहर स्थित अम्बेडकर नगर पाटीपुरा येथे जुने वादावर शेजारी राहणारे जे तामगाडगे आणि विशाल रामटेके यांच्यात वाद झाला। विशाल रामटेके हा याला तामगाडगे यांनी म्हटलं की तू तुझ्या मित्रासोबत राहू नको, त्यावरून त्याने म्हटलं की बाबा मी मित्रासोबत राहणार, माझं काय मी कोणासोबतही राहू शकतो, तुम्ही तुमचं पाहून घ्या। यावरून त्याने त्यांचं न ऐकल्यामुळे हा राग मनात धरला आणि तामगाडगे फॅमिली जी आहे त्याचे विनोद तामगाडगे आणि त्याच्यासोबत जे 5-6 व्यक्ती रात्रीदरम्यान 10:30 त्याला चाकूने मारून जखमी केले। त्याला उपचाराकरता सामान्य रुग्णालयात आणले असता डॉक्टरांनी त्याला मृत वरून आपण पोलीस स्टेशनला विचार रामटेके याची आई तिच्या तक्रारीवरून 302 दाखल केला आहे आणि तत्काळ आरोपीला अटक करून पुढील कारवाई चालू आहे। हमने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए राजन सालवी को उम्मीदवार बनाया है। ईडी की सरकार एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की है, जो महाराष्ट्र में ईडी की नई सरकार बनी है। उसी फैसले में राज्यपाल कह रहे थे कि राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो सकता। अब ये सवाल है कि राज्यपाल ने इस चुनाव को क्यों बुलाया? सरकार बदलने के बाद राज्यपाल की मानसिकता क्यों बदल गई? क्योंकि लोगों के सामने ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या राज्यपाल संविधान और लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं? टेस्ट ईडी सरकार का है, ई का मतलब एकनाथ और डी का मतलब देवेंद्र फडणवीस, ऐसी प्रतिक्रिया नाना पटोले ने दी है। महाविकास आघाडीचे उमेदवार म्हणून राजन साळवी यांना आम्ही विधानसभा अध्यक्ष पदाचा उमेदवार ठेवलेला आहे आणि महाविकास आघाडी हे या जे ईडीचं सरकार एकनाथ आणि देवेंद्र फडणवीसांचं जे सरकार, जे ईडीचं सरकार महाराष्ट्रात झालेलं आहे त्यांच्या विरोधात लढण्यासाठी सज्ज आहे आणि त्यासाठी उद्याची ही रणनीती जी होती आमची ती आम्ही केलेली आहे आणि राजन साळवी हे आमचे उमेदवार आहेत। आम्ही अजूनही आम्ही त्या याच्यावर ठाम आहो की याच निर्णयामध्ये माननीय राज्यपालांनी मागच्या काळात सांगितलेलं होतं की
स्पीकरची निवडणूक घेता येणार नाही हे प्रकरण माननीय सुप्रीम कोर्टात आहे, पण आता ही निवडणूक माननीय राज्यपालांनी का लावली हा प्रश्न या निमित्तानं आहे। आणि हा लोकशाहीचा आणि संविधानिक व्यवस्थेचा घात माननीय राज्यपाल महोदय करतात आहे का हा प्रश्न आता जनतेच्या समोर निर्माण झालेला आहे। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। फिर से स्वागत है। पंडरपुर की वारी महाराष्ट्र की एक सांस्कृतिक परंपरा है। वैराग्य मूर्ति गाड़गे बाबा और राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज भी ये वारी में जाते थे, लेकिन मंदिर के दर्शन के लिए नहीं, चंद्रभागा तीर के पास में होने वाली गंदगी साफ करने के लिए। स्वर्गीय महादेव दादा गाड़ेकर गुरुदेव परंपरा में तुकड़ोजी महाराज के शिष्य थे। बाद में महाराज की कैंसर से मृत्यु हो गई, लेकिन उनके बाद भी पादुकाओं की परंपरा जारी रही। महादेव दादा के जाने के बाद उद्धव दादा गड़ेकर ने इस परंपरा को जारी रखा। कुछ महीने पहले उद्धव दादा की भी कैंसर से मौत हो गई थी। तुकड़ोजी महाराज व उद्धव दादा गाड़ेकर, इन दोनों का 58 वर्ष की आयु में कैंसर से निधन हो गया। उद्धव दादा के जाने के बाद उनके पुत्र शिवदास महाराज द्वारा पादुका वारी की परंपरा को जारी रखा गया है। आज जैसे ही पादुकाएं बुलडाना पहुंची, उनका स्वागत जय गुरुदेव के जय घोष के साथ किया गया। इस समय श्रीमती गीताबाई, भाई नंद किशोर, पुत्री यज्ञजा और पुत्र देवव्रत सहित पत्रकार राजेंद्र काले, चंद्रशेखर जोशी, राहुल चौहान, गजानन नाइकवाड़े समेत कई भक्त मौजूद थे। शिवदास महाराज ने कहा कि राष्ट्र संत के चरण स्पर्श करने वाले पादुका दुपकर को नई चेतना देंगे, क्योंकि वे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से जागरूक है। गोवन से भरा हुआ वाहन बाबुलगांव की तरफ से यवतमाल की तरफ आने की गुप्त जानकारी वाहतुक शाखा पुलिस को मिली थी। पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन तस्करियों ने पुलिस को ही जख्मी करने की कोशिश की। पर पुलिस की सतर्कता से कुछ भी जीवित हानि नहीं हुई, पर पीछा करने वाले बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता इस हमले में जख्मी हुए। उनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 9 गोवंश के साथ गाड़ी को जब्त कर गुना दाखिल कराया गया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। आज शुक्रवार सकाळी 10 वाजता बाबुळगाव वरून काही गो तस्कर गायला घेऊन यवतमाळकडे रवाना होत होते। या गो तस्करांचा पाठलाग करत काही बजरंग दलाचे कार्यकर्ते, विश्व हिंदू परिषदचे कार्यकर्ते गो वंश वाचवण्याकरता प्रयत्न करत असताना धामणगाव येथील बायपासवर पोलिसांनी सुद्धा त्या सहकार्य केले। हे करत असताना
पोलिसांवर सुद्धा गो तस्करांनी मोठ्या प्रमाणात हल्ला केला आणि पोलिसांना सुद्धा जखमी केलं. अनेक बजरंग दलाचे विश्व हिंदू परिषदचे कार्यकर्ते सुद्धा यात जखमी झाले. आमची अशी विनंती आहे SP साहेबांना की ही जी आपल्या जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गो तस्करी होत आहे, या गो तस्करीला आळा घालण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करण्यात यावी असे विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलातर्फे आम्ही आवाहन करतो आणि विनंती करतो SP साहेबांना की त्यांनी याच्यात मोठं लक्ष घालून या कारवाया थांबवाव्या आणि गो तस्करी थांबवावी. किती जनावरं सापडले? 9 जनावरं. एकूण गो तस्करीमध्ये 9 गाई सापडल्या. 9 गाई मोठ्या प्रमाणावर कोंडून गाईमुळे पिकअपमध्ये आणल्या जात होत्या. अशा सर्व गाई आता गोरक्षणमध्ये त्यांचा उपचार सुरू आहे आपल्या इथे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल विभागीय कार्यालय में 2019 में भर्ती हुए लोगों की चालक तथा वाहक पद के लिए प्रशिक्षण होने के बावजूद नियुक्ति नहीं की गई है. डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट हो जाने के बावजूद आगे की प्रोसेस नहीं की जा रही. MD और DC को भी कई बार निवेदन दिया गया है लेकिन उनकी तरफ से भी कोई उत्तर नहीं मिल पाया है. इतना ही नहीं, पूर्व महाविकास आघाड़ी की सरकार थी तब परिवहन मंत्री अनिल परब को भी कई बार निवेदन दिया गया लेकिन कोई स्टेप नहीं लिया गया. अब 28 जून को महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन कार्यालय ने 7 प्रदेशों के लिए 28 जून को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चालक भर्ती शुरू की है जिसके लिए लोगों ने विरोध जताया है. जिन्होंने 2019 में भर्ती के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे उनका कहना है कि पहले उनकी भर्ती कराई जाए उसके बाद ही नई तरीके से भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए जिसके लिए विभाग नियंत्रक को निवेदन भी दिया गया है. मैं आकाश अशोकराव गेडाम, सरळ सेवा भरती 2019 महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन चालक तथा वाहक पदासाठी भरती झाली होती. आमचे प्रशिक्षण पूर्ण झालेले आहे, चालक तथा वाहक पदाचे डॉक्युमेंट्स व्हेरिफिकेशन झालेले आहे, मेडिकल झालेले आहे, अद्यापही आम्हाला नियुक्त करून घेतलेलं नाही. आम्ही वेळोवेळी MD साहेबांना निवेदन दिलं आहे, DC साहेबांना निवेदन दिलं आहे, अजूनपर्यंत त्यांच्याकडून असं काही ठोस उत्तर मिळालेलं नाही. मंत्री महोदयांना याच्या आधी जी सरकार होती, महाविकास आघाडीची सरकार होती, परिवहन मंत्री अनिल परब साहेबांना वेळोवेळी निवेदन दिले, अजूनपर्यंत त्यांनी काही असं ठोस उत्तर दिलेलं नाही. आता 28 जूनला महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन कार्यालयाने 7 प्रदेशासाठी कंत्राटी चालक पदाची भरती काढलेली आहे. या भरतीसाठी आमचा विरोध आहे. या भरती करण्याच्या आधी जे महाराष्ट्रातून सरळ सेवा भरती 2019 चालक तथा वाहक पदाचे जे मुलं पात्र ठरलेले आहेत त्यांना आधी सेवेत सामावून घ्यावं, नंतरच ही कंत्राटी भरती काढण्यात यावी अशी मी विभाग नियंत्रकाला आता निवेदन देणार आहे. त्याकरिता ते कार्यवाही करतील. कुछ ही दिनों में गणेशोत्सव आया है. इस पृष्ठभूमि में कोल्हापुर में गणेश मूर्ति व्यवसाय में उत्साह का माहौल है. गणेश प्रतिमा बनाने का करीब 80% काम पूरा हो चुका है. आने वाले दिनों में घरेलू गणेशोत्सव के लिए आवश्यक मूर्तियों की पेंटिंग का काम जोरों से चल रहा है. कोल्हापुर के बापट कैंप में मूर्तिकार गणेश मूर्ति बनाने में व्यस्त होने का चित्र दिखा जा रहा है. कुंभार संघ के अध्यक्ष संभाजी माजगावकर ने कहा कि कोरोना काल में कच्चे माल की बढ़ती कीमतों से कच्चा माल मिलने में कुछ दिक्कतें आ रही है और उपभोक्ता बढ़ी हुई कीमतों के अनुपात में कीमत नहीं चुका रहे. पिछले 2 वर्षों के दौरान गणेश मूर्तियां व्यापारियों को बाढ़ के दौरान भारी नुकसान हुआ था. बापट कैंप क्षेत्र में कुछ स्थानों पर बाढ़ के पानी के कारण गणेश मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गई और व्यापारियों को आर्थिक रूप से भारी नुकसान हुआ. इस समय इन व्यापारियों ने खतरे से बचने के लिए एक योजना शुरू की और जिला प्रशासन ने इन व्यापारियों को बाजार प्रांगण में गुड़ का गोदाम उपलब्ध कराया, ऐसी जानकारी संभाजी माजगावकर ने दी है. मैं कुंभार संघाचे अध्यक्ष मूर्तिकार संघाचे अध्यक्ष संभाजी माजगावकर बोलते है. आम्हाने गणपतीच्या जी पूर्व परिस्थिति मागच्या 2-3 वर्षात जी आम्हाने कोरोना पूर्व परिस्थिति हे सगळे झाल्यामुळे आम्ही आता एवढा अडचणीत झालेलो आहे की आत्ताची जी पूर्वपरिस्थिती जरी झाली तर आम्ही त्या पद्धतीने आम्ही आपले यार्डातले गुळाचे गोडाऊन भाड्याने घेऊन त्यात म्हणजे गणपती नेऊन ठेवणार आहे. आणि असे काय आता येणारा रॉ मटेरियल आहे, ह्या रॉ मटेरियलची जी वाढ झाली आहे ती वाढ आपण गिराकात देऊ शकत नाही. आणि गिराक काय करायला लागले, आपल्या हया दरामध्ये मागून घेऊन जायला का रॉ मटेरियलचं आमचे पैसे काही निघणं झालेले आहेत. तरी आमचं आता जवळजवळ गणपतीचं काम 80% पूर्ण झालेलं आहे. आता राहिलेलं आहे 30-40 दिवस, आता आगमनाची फक्त वाट बघत आहे आम्ही. तो VKB न्यूज के दोपहर के खबरों में बस इतना ही. फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ. तब तक देखते रहिए VKB न्यूज. नमस्कार.